भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में सुशासन पखवाड़े के अंतर्गत बुधवार को धार्मिक स्थलों पर स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत की। स्वच्छता कार्यक्रम मोती डोंगरी स्थित गणेश मंदिर से हुई। इससे पूर्व उन्होंने भगवान गणेश के दर्शन कर आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया गया स्वच्छता अभियान आज जन आंदोलन बन चुका है। देश की जनता ने मोदी के आह्वान को अपना अभियान बना लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जोशी ने कहा कि स्वच्छ जयपुर स्वच्छ राजस्थान के तहत गुरुवार को पूरे शहर में महापुरुषों की प्रतिमाओं को स्वच्छ कर उनका माल्यार्पण किया जाएगा और बुधवार को धार्मिक स्थल पर बड़े स्तर पर स्वच्छता अभियान शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि पार्कों को भी स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए इस अभियान से जोड़ा गया है, क्योंकि पार्क लोगों के बैठने, बातचीत करने और योग का महत्वपूर्ण स्थान होता है। पार्टी के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता एवं आमजन भी इस अभियान में सहभागी बने हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि कई पीढ़ियों से जो सपना देखा वह 22 जनवरी को साकार होने जा रहा है। दिव्य और भव्य मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार है, जिसमें प्रभु श्री राम विराजमान होंगे। इस कार्यक्रम के लिए भगवान श्री राम ने भी नरेंद्र मोदी जी को चुना है। इस दौरान जयपुर शहर सांसद रामचरण बोरा, जयपुर शहर जिलाध्यक्ष राघव शर्मा, जयपुर ग्रेटर के डिप्टी मेयर पुनीत कर्णावट सहित भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि उनके साथ रहे। स्वच्छ जयपुर स्वच्छ राजस्थान इस अभियान के तहत आज जयपुर में, कल पूरे शहर में सभी महापुरुषों की प्रतिमाओं को धोया गया, स्वच्छ किया गया, माल्यार्पण किया गया और आज सभी श्रद्धा केंद्रों पर स्वच्छता अभियान बहुत बड़े स्तर पर शुरू हुआ है। मुझे भी इस कार्यक्रम में सहभागी बनने का सौभाग्य मिला और कल यहाँ के सभी पार्कों को, जो लोगों के योग का, भोग का, बैठने का, बातचीत का स्थान होता है, उस स्थान को भी स्वच्छ और सुंदर बनाएं, इसके लिए इस अभियान के साथ जोड़ा गया है। और मैं सोचता हूँ इसमें सभी जनप्रतिनिधि और पार्टी के दायित्व वाले कार्यकर्ता, आमजन इस कार्यक्रम में सहभागी बने हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब इसको शुरू किया तब कुछ लोगों ने उपवास उड़ाया, लेकिन अब ये जन जन का आंदोलन बन गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान को देश की जनता ने अपना अभियान बना लिया। 500 वर्षों पुराना सपना साकार हो रहा है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भी इसके लिए पात्र आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को चुना है। हम सब लोगों का सौभाग्य है कि दिव्य और भव्य मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार है, जो देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र होगा। और प्रभु श्री राम लला 22 तारीख को उस भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। पूरा देश उत्सव मनाएगा, दिवाली मनाएगा और इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही हैं।